हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो मटन दो प्याज़ा है। मटन दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने ये 1.5 kg मटन लिया है। इसको साफ धो के और चलनी में रख दिया है। और ये ऑनियन है तकरीबन 1 kg, और उसके साथ होल गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और लहसुन अदरक मैंने कट करके भी लिया है ये। और इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं डलता है, मैंने ये धनिया लिया है, इसमें खड़ा वाला धनिया लिया है, और हल्दी पाउडर और टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे हम इसमें। तो इसमें सबसे पहले मैंने तेल जो है वो तकरीबन 250 ग्राम तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। ये मेरा तेल गरम हो चुका है, इसमें ये मैं पूरा खड़ा गरम मसाला डाल दूंगी मैं। इसके बाद मैं इसमें मैंने जो मटन मैंने वॉश करके रखा था, मेरा गरम मसाला हो गया है, तो ये जो मेरा मटन है मैं इसमें पूरा ऐड कर दूंगी। मटन को ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको कलर चेंज होने तक इसको मैं इसमें फ्राई करूंगी। और फिर उसके बाद ये सारे मसाले ऐड करेंगे। हमारा मटन इसमें फ्राई हो रहा है, 5 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये मटन मेरा 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, टेस्ट के मुताबिक आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए उसमें, और ये जो मैंने लहसुन अदरक थोड़ा सा इसको चॉप करके रखा था वो मैंने इसमें डाल रही हूँ मैं। ये मेरा लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून पेस्ट वो मैंने इसमें डाल दिया, और धनिया जो मैंने लिया था खड़ा धनिया वो डाल रही हूँ मैं। और इसमें जो प्याज है ये मैंने 2 प्याज़ा, यानी ये नहीं कि 1 किलो गोश्त है तो 2 किलो, हम जितनी भी मकदार में प्याज लेते हैं उससे डबल हमको क्वांटिटी लेना है। तो थोड़ी सी मैंने कहा ग्रेवी नहीं रहती, तो इसलिए ग्रेवी के लिए थोड़े से मैंने ज़्यादा प्याज लिए हैं। ये तकरीबन 700-800 ग्राम के करीब प्याज हैं, ये छिलके उतरे हुए 800 ग्राम प्याज हैं। और इसके बाद मैं इसमें खड़ी लाल मिर्च डलती है, और थोड़ी सी उसमें मैंने ये लाल मिर्च डाल रही हूँ, और मेरे पास खड़ी लाल मिर्च नहीं है अभी अवेलेबल, तो मैं उसकी जगह हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें दही, खटाई बहुत ज़रूरी है, तो 1.5 kg मटन है तो उसमें तकरीबन 250 से 300 ग्राम में दही डालूँगी। ये मेरा घर का ही जमा हुआ दही है, और अच्छा मलाई वाला दही है। इस तरीके से मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया है। इसको सब, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, इसको सबको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी, और 3-4 सीटी लेने के बाद कम कर देंगे इसका फ्लेम, और फिर एक बार खोल के देख लेंगे हम कि कितना इसमें, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, और कितना मटन गला है, और फिर एक बार बंद कर देंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ स्टेप। अब ये तकरीबन 6 से 7 विसल आने के बाद मैंने इसको 5-7 मिनट लो फ्लेम पे रखा है, और फिर इसका जब इसका ढक्कन कुकर को खोला है तो ये भुनने के उस पर आ गया है। तो मैं इस टाइम पर इसमें अच्छी मकदार में थोड़ा सा हरा धनिया, और ये कुछ हरी मिर्चें, और गरम मसाला पाउडर ये डाल के इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, तो ये आपका 2 प्याज़ा गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। बस 5-7 मिनट और मैं इसमें इसको भून लेंगे अपन, तो ये रेडी हो जाएगा, ये गल गया है अच्छी तरह से। तो देखिए अब ये हमारा जो मटन 2 प्याज़ा है ये पूरा भून गया है और बन के रेडी है।
इसमें थोड़ा सा और मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। बस इसमें एक लाल खड़ी मिर्च की कमी है, जो कि वही डलती है, और पिसी मिर्च कम उसमें डलती है क्वांटिटी में। तो ये अब कंप्लीट हो गया, मैं आपको डिश में इसको निकालती हूँ फिर बताती हूँ। अब बन के तैयार है पूरा डिश, आउट कर दिया है मैंने मटन दो प्याज़ा को, और इसके साथ सिंपल रोटियां बनाई हैं। तो अब ये बन के तैयार है, आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको, बहुत मज़ेदार बनेगा। थैंक यू।